सो हे व्हाट्सएप क्यूरीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ जिया और आज का वीडियो, ओके सो टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट, लिटिल नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला आज का वीडियो मेरे बाकी सारे वीडियोज से। सो गाइज, आज कुछ भी बताने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन थिंग विच आई फील दैट मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए आज, विच इज़ व्हाई डिड आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल एंड हाउ डिड आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। बेसिकली म्यूज़िक के लिए, टिकटॉक के लिए, बाकी सब के कोई ना कोई रीज़न होता है, जैसे कि उनको फेमस होना है या फिर उनको इनकम चाहिए या फिर उनको बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मिलना है, इस वजह से वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरा इनमें से एक भी रीज़न नहीं था टू ज्वाइन यूट्यूब चैनल। एंड मेरी जो स्टोरी थी ना, ये मतलब मुझे एक्चुअली में आई हैड बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स इन माई वीडियोज़ और मेनी अ टाइम्स इन माई इंस्टा स्टोरीज और एवरीवेयर, एंड आई नेवर रिस्पॉन्डेड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फनी स्टोरी एंड वेरी क्यूट स्टोरी व्हाई आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू अपडेट, लेट्स बिगिन। सो गाइज, नाउ लेट मी कंटिन्यू विद द स्टोरी। सो बेसिकली म्यूजिकली, टिकटॉक के लिए, आई वॉज अ गर्ल हु डिडेंट लाइक गेमिंग एट ऑल। आई वॉज जस्ट इन टू कॉमेडी वीडियोज़। एंड एक दिन हुआ ये कि मुझे हमारे फुकरा इंसान भैया की वीडियो रिकमेंड हुई थी एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग हिम डेली डेली डेली। ऐसे ऐसे कर करके मुझे ट्रिगर्ड इंसान चैनल की एक वीडियो रिकमेंड हुई विच वॉज रोस्ट ऑन ढिंचक पूजा और समथिंग आई गेस सो। And then I was so addicted to that channels that I regularly kept on watching them legit. And आगे जाके हुआ ये कि जब ट्रिगर इंसान ने, यानी कि निश्चय भैया ने, जब लाइव इंसान चैनल ओपन की, तब उनके जब हुए थे समथिंग लाइक 100K या 200K सब्सक्राइबर हुए थे, तब लाइक मैंने उनकी हर वीडियो में देखा था कि यार इतना प्रमोट कर रहा है लाइव इंसान चैनल को, इतना प्रमोट कर रहा है क्या उसमें, चलो देख ही लेते हैं। तो मैंने जब उनकी वीडियो देखी, द पर्टिकुलर वीडियो वॉज माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ आई गेस सो, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया वो सोचे हुए तो, लेकिन इट वॉज समथिंग लाइक माइनक्राफ्ट की थी, उतना मेरे को याद है, ठीक है। सो वो वीडियो देखने के बाद आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इट्स सो नाइस गेम यार, कितनी इंटरेस्टिंग वीडियोज थी ये। So I actually started liking gaming and I just kept on watching them. And afterwards, ऐसे कर करके I just came up with the new YouTubers like let it be MythPat, Andrew B, Big Sue, Yes Smarty Pie, Gamer Fleet. And then I was like so addicted to that channels that I started binge watching them legit. जिनको binge watching का मतलब नहीं पता, binge watching का मतलब होता है एक particular series या एक particular चीज़ को हम लोग एक दिन में या फिर एक particular time में complete करके पूरा, like मैंने उनकी चैनल पर्टिकुलरली, जैसे एक लाइव इंसान चैनल होगी तो उसमें जितने भी माइनक्राफ्ट के वीडियोस थे मैंने पूरे एक दिन में देख लिए। देन हो गया कि मैं आई एम बिक्सो के चैनल देख रही हूँ तो सारे माइनक्राफ्ट के वीडियोस एक दिन में देख लिए। उनकी मोस्टली तो माइनक्राफ्ट के ही थे, लेकिन मैंने इस तरीके से उनकी पूरी की पूरी चैनल लाइक बिंज वॉच करी है। एंड लाइक आई वॉज लाइक अरे यार इतने वीडियोज़ हैं इनके, और वो लोग रेगुलरली वीडियो डालते नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम उनको एडिटिंग एंड उन सारी चीज़ों में भी तो टाइम लगता है ना। तो या आई जस्ट थॉट कि मैं खुद की चैनल बना लेती हूँ एंड उस पर खुद के वीडियोस डालूंगी, जब इनके वीडियोस आएंगे तब इनके देख लूँगी, जब मेरे तो होंगी मैं तो रोज़ अपलोड ही करती रहूँगी। एंड गाइस, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, दिस इज़ व्हाई रियली आई मेड माय चैनल। आई सीरियसली ट्राइड टू थिंक अबाउट इट एंड आई एम लाइक सीरियसली मैंने इस रीज़न की वजह से चैनल बनाया था, हेलो मेरा दिमाग कौन से दिशा में चलता रहता है यार। एंड या बट मैंने ना एक्चुअली तभी मेरी मम्मा से पूछा, शी अग्रीड, आई आस्क्ड माय पेरेंट्स, दे अग्रीड, एंड आफ्टर दैट लाइक आई थॉट ऑफ मेकिंग चैनल बट आई डिडंट नो हाउ टू मेक इट। बट एट दैट मोमेंट आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद डार्क लॉर्ड गेमिंग एंड ही हेल्प मी मेक माई चैनल। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टिल रिमेंबर 7 months अगो अराउंड आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, इट वॉज 27 आई गेस, डेट वॉज 27 and I don't know clearly it was 27 or not, I'll have to just cross check, but just because of that small childish gesture I have just got 500 plus people who genuinely care for me, who genuinely respect me, and like
I seriously can't believe the journey I have passed through right now. Studying plus YouTube, it's not that easy, but because of the love and support you guys show to us, it makes us easy. And I just want to say thank you, thank you so much for just understanding me, for helping me in the every way you could. And मैं अभी भी देख रही हूँ, अभी भी लाइक द लव एंड सपोर्ट स्टिल कंटिन्यूज. पहले मेरे वीडियोस आते थे रेगुलरली, देन हुए कि एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, बट अभी लाइक स्टडी एंड एग्ज़ाम्स की वजह से आई कैन श्योरली से मेरी कल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं, एंड इस वजह से तो नहीं बट पर्टिकुलरली ऐसा स्टडिंग की वजह से मेरा ये हो गया कि मैं वीक में एक वीडियो डाल पा रही हूँ. एंड उस टाइम में भी उस लाइक पर्टिकुलर वीडियो के स्टेटमेंट में आपको शायद से क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता. क्वांटिटी भी नहीं मिल रही है क्वालिटी का, आई एम नॉट प्रिटी श्योर. बट देन टू यू गाइस सपोर्ट मी, एंड दैट इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर मी. एंड आई डोंट नो व्हाट शुड आई से राइट नाउ, द वर्ड्स आरंट इनफ फॉर यू गाइस. एंड That's it. That was what I was going to tell you. And I'm still shocked ki I have got such a great supporters who support me in every time, every line, everything. And I just wanted to say thank you so much, everyone. Love you guys. Thank you. And at last, I would just like to dedicate a song to all my viewers, which is मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ. एंड गाइस द लास्ट थिंग, मुझे कुछ टाइम से लाइक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब मुझे कमेंट्स आ रही हैं और इंस्टा पे डीएम्स आ रहे हैं दैट आर यू गोइंग टू क्विट वाईटी. ये किसने रूमर फैलाई है यार, मैं कभी नहीं छोड़ने वाली वाईटी, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर. एंड गाइस डोंट वरी यार, जब तक यूट्यूब है तब तक हम हैं, डोंट वरी, हम हैं हमेशा, ठीक है, डोंट वरी. कोई भी छोड़ के चला जाए हम तो हैं ही, हमारी पागलपंतियाँ चालू ही रहने वाली है, ठीक है. सो आई एम नेवर गोइंग टू लीव वाईटी, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर. जो लोग भी पूछ रहे हैं दैट आर यू गोइंग टू लीव वाईटी, नो आई एम नॉट गोइंग टू क्विट वाईटी, एंड दैट्स फाइनल. ओके सो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग.